भिलाई में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी में युवक पूरी तरह से घायल हो गया है, जिसे सुपेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। तीन युवकों ने मिलकर थर्माकोल कटिंग करने वाले कटर से एक युवक पर बुरी तरह वार कर दिया। पूरा मामला सिविक सेंटर का है। दो गाड़ी थी, हाँ। हम लोग साथ में आ रहे थे, चार लोग, हाँ। तो क्या है ना, हम लोग आपस में बात करते आ रहे थे, हाँ। तो उन लोग को लगा कि हम लोग उन लोग को गलत बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। हम लोग के आपस में बातचीत करते आ रहे थे, अब उन लोग क्या हम लोग को रुकाए, हम लोग भी रुके। अब उन लोग क्या है ना, जो फॉर्म थर्माकोल काटने वाला जो बच्चे लोग का आता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हाँ, बोलते हैं वो निकाले, हाँ। तो हम लोग क्या, अब उसको देख के डर गए। हम लोग क्या ऐसे नॉर्मली इंसान है तो डरेंगे, कोई भी डरेगा, जाहिर सी बात है। तब क्या हम लोग इधर उधर भागने लग गए। तो ये दो जन थे ना जो रुक गए वहीं। अब क्या है ना, जो ना अब उसको निकाले हैं, अभी लोग माफ़ी वाफी सब मांग रहे थे। ये सिविक सेंटर है, सेक्टर 6। तो इन लोग के मान, हाँ, कितने लोग सुन लो, हम उन लोग तीन लोग थे। अब उन लोग क्या सर, क्या नशे उसे में जानते ही हो, गोली वोली का नशा, गांजे का नशा, दारू का नशा, कुछ भी हो सकता है। अब नशे में इंसान किसी कुछ नहीं पहचानता, आप ही जानते हो। तो हम लोग क्या रुके बातचीत करने के लिए, तो इन लोग क्या माफ़ी वाफी भी हम लोग मांगने लगे, तो उन लोग नहीं माने। तो अब उन लोग निकाल लिए कटर, तो हम लोग में से ना दो जो भी थे एक दो जन भगने लगे। अब जो दो जन बचे थे ना, तो उन लोग ना उन लोग से माफ़ी वफ़ी मांगने लगे कि भैया हो गया, गलती हमारी थी, हम लोग छोटे आप बड़े, तो उन लोग क्या नहीं समझे। अब उन लोग निकाल के कटर मार दिए अगले को। हम लोग सर रहते हैं खुर्सी पार, राजीव नगर जोन 2।